गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। तो हम लोग अपने इस नए टॉपिक जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में रह गया था, तो उसको कंप्लीट हम लोग आज करने के लिए आ गए हैं। और जो भी नए हो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। कुछ क्वेरीज़ आपके अगर होंगे तो आप वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आप देख सकते हो। और मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, तो अगर आपको अगर मेरे ब्लॉग्स भी देखने हो तो आप प्लीज़ जाके उस चैनल पे भी देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाले टॉपिक को। तो देखो, मैंने उस दिन भी समझा दिया था कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ओपी क्या होता है। ये ओपी तो इसका एक बेसिक मतलब मैं तुम्हें बता दूँ कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। आज कलर चेंज कर लेते हैं क्या? थोड़ा ग्रीन तो ले रखा है, आज पर्पल उठा लेते हैं, थोड़ा लाइट करते हैं। चलो, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था हमारा, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण कुछ फ्री एनर्जी निकल रहा था। दैट फ्री एनर्जी इज़ यूटिलाइज बाय एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म एटीपी एंड दैट इज द सिंपली नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लिंक विद द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी। मतलब ये लिंक्ड होता है फ्री एनर्जी के रिलीज के लिए। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई कपल विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मतलब जो एडीपी और आईपी आपस में कपल हो जाते हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद टू फॉर्म एटीपी विद द हेल्प ऑफ द फ्री एनर्जी नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। आपको जो कॉम्प्लेक्स फाइव था, हमने पाँच चार कॉम्प्लेक्स के बारे में, पांच कॉम्प्लेक्स बताया था। फर्स्ट इज एनएडीएच को एंजाइम क्यू रिएक्टिव, सेकंड इज द सक्सिनेट को एंजाइम क्यू रिएक्टिव, थर्ड इज द सॉरी थर्ड इज द साइटो को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिएक्टिव, एंड फोर्थ इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एंड फिफ्थ इज योर एटीपी सिंथेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये जो पांचवा आपका कॉम्प्लेक्स फाइव होगा, दैट इज द एटीपी सिंथेज, यहीं पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन देखने को मिलता है। नाउ द वही हमने इसमें कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स फाइव ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ ओपी यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहीं पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। देखो, अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपसे पूछता है ना, तो आपको कुछ पॉइंट पीओ रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने उसमें हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में देखा था, उस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स होता है हर में, तो डायरेक्ट आपको ओपी पे क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताइए, उसके सारे ऑस्पेक्ट्स बताइए। उसमें आपको पीओ रेशियो के बारे में भी थोड़ा सा बताना होगा, ठीक है? और इसमें बेसिकली क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो इसके बाद हम लोग डील करेंगे, ठीक है? तो आप लोग देख लो, पीओ रेशियो, व्हाट इज पीओ रेशियो, पीओ रेशियो का मतलब क्या होता है? पीओ रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स मॉलिक्यूल यूटिलाइज फॉर द एटीपी जनरेशन फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। देखो, इसका ये मतलब हुआ, पीओ रेशियो का मतलब ये होता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो तुम्हारे, यानी फॉस्फेट मानो ना, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एटीपी जनरेशन, मतलब देखो एटीपी जनरेट करना है तो कितना फॉस्फेट खर्च हुआ है, कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ है के कंपेयर में। मतलब अगर एक एटम ऑक्सीजन का, एक एटम ऑक्सीजन का खर्च हुआ है तो कितना फॉस्फेट का खर्च हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है? कहने का मतलब अगर एक एटम ऑक्सीजन निकल रहा है तो फॉस्फेट का कितना कितना फॉस्फेट, कितना नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया गया है फॉर एटीपी जनरेशन फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब पीओ रेशियो का मतलब, बेसिक मतलब यही होता है कि एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद कितना नंबर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा फॉर द एटीपी जनरेशन, ठीक है? अब इसको कुछ और वे में एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो कि एक घर बनाना है, ठीक है? तो एटीपी इज योर लाइक घर, ठीक है? और कितना तुम ईंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक, सॉरी, हर एक ईंट के इस्तेमाल पे कितना अमाउंट ऑफ सीमेंट लगेगा, समझ रहे हो मेरा बात? हम क्या कहना चाह रहे हैं, घर को तुमने मान लिया एटीपी, ऑक्सीजन को तुमने मान लिया ईंट ब्रिक, और जो सीमेंट है वो फॉस्फेट हो गया। मतलब कितना एटम ऑफ ब्रिक, कितना ब्रिक का एटम लगेगा नंबर ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट का नंबर कितना यूटिलाइज होगा पर एटम ऑफ ब्रिक में, एक ब्रिक के एटम में कितना सीमेंट का अमाउंट यूटिलाइज होगा, दैट इज योर पीओ, दैट इज योर सीमेंट ब्रिक रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज
प्योर रेशियो मतलब फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन द नंबर ऑफ फॉस्फेट यूटिलाइज फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितना नंबर फॉस्फेट का यूटिलाइज होगा एटीपी जनरेशन के लिए। बेसिक बात थी, आपको क्लियर हो गया होगा कि पर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम फॉर नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज फॉर एटीपी जनरेशन, मतलब कितना नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज होगा फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, मतलब कितना एटम ऑक्सीजन कंज्यूम होता है जिसके लिए नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज होगा एटीपी। देखो जनरेट करना है एटीपी, उसमें बता रहा है कि कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, उसमें फॉस्फेट का नंबर कितना लगता है ये बात आपको देखना, दैट इज द पीओ रेशियो। और पीओ रेशियो जो होता है क्या होता है ना, देखो अगर आपको पीओ रेशियो में कब मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह रहा है ना, तो आप एक बार क्या बोलते हैं इसको 2-3 बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहता है, द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच विद द क्लासिकल पीओ रेशियो इज 3, ठीक है, जो एनएडीएच का पीओ रेशियो होता है वो 3 होता है, आपको पता होना चाहिए कि एनएडीएच का क्यों होता है 3 होता है और एफएडीएच का क्या होता है, और वही अगर बात करते हैं एफएडीएच के लिए तो वो 2 होता है, बट नाउ डेज अब इसको चेंज करके क्या कर दिया 2.5 कर दिए हम लोग एनएडीएच के लिए, हम लोग नहीं मतलब जो किया है, और 1.5 फॉर द एफएडीएच। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द पीओ रेशियो ऑफ एनएडीएच, सो आपको 2.5 बताना है, ठीक है, और इसके लिए FADH2 के लिए 1.5, सिंस 10 प्रोटॉन्स फॉर NADH एंड 6 प्रोटॉन फॉर FADH2 आर फॉर्मड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सिंस 1 ATP रिक्वायर्स 4 प्रोटॉन। देखो इसका मतलब ये हुआ, हम तुमको समझाते हैं ये चीज कि मान लो NADH के पास से जब इलेक्ट्रॉन की पंपिंग देखोगे ना, तो टोटल 10 प्रोटॉन यहां से पास करता है, ठीक है, NADH से 10 प्रोटॉन पास करता है। अभी एनएडीएच का तुम कह सकते थे ना 2.5 क्यों हुआ पीओ रेशियो, तो टोटल 10 प्रोटॉन पास करता है एनएडीएच से, और एक एटीपी बनाने में 4 प्रोटॉन खर्च होता है, 4 प्रोटॉन खर्च होता है, तो तुम कैलकुलेट करो तो 2.5 एटीपी आएगा तुम्हारा, सॉरी 2.5 इसका रेशियो आएगा, 2.5 रेशियो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक एनएडीएच से पास कर रहा है 10 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन पास करने का मतलब है 2.5, ठीक है, 2.5 होगा NADH का वैल्यू, और वही तुम्हारा 6 प्रोटॉन पास कर रहा है FADH2 से, तो तुम जाहिर सी बात है कि तुमको एक एटीपी को 4 प्रोटॉन की जरूरत होती है, तो टोटल 1.5 एटीपी प्रोड्यूस होगा, 2.5 होगा NADH से या 1.5 होगा FADH से, FADH2 से। तो ये बेसिक सी बातें थी जो तुमको पता होना चाहिए, और इसके बाद जो क्लैरिटी है ना वो तुमको आ जाएगी केमियोसमोटिक हाइपोथेसिस में। अभी तुमको इतना ही जानना था पीओ रेशियो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एनएडीएच का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 2.5 होता है तो कैसे होता है ये भी बता दिए, 10 प्रोटोन के पास से होता है, ठीक है। नाउ कम टू द साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट क्या क्या है, तो देखो 3 साइट होता है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। सो बेसिकली देर 3 साइट इन द ETC दैट आर एक्सोगोनिक टू रिजल्ट इन द 3 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का प्रोडक्शन, हमने अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन पास करता है वो फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वही फ्री एनर्जी यूटिलाइज करेगा ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ATP बनाएगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का साइट कहने का मतलब ये हुआ कि ATP प्रोडक्शन का साइट हो गया, तो टोटल 3 जगह से तुम्हारे ATP का प्रोडक्शन होता है, FMNH2 by coenzyme Q, cytochrome B by cytochrome C1 और cytochrome oxidase। देखो मैंने उस दिन भी तुमको बताया था कि जो मैंने ETC का क्लास लिया था उसमें मैंने बता दिया था कि सिर्फ 3 जगह से ATP का प्रोडक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4, मतलब ये तीनों ही ATP प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। ATP प्रोडक्शन के लिए साइट जो होते हैं ये 3 होते हैं, ठीक है, और ये चौथा जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 है, यहाँ तो ATP बन ही जाता है, तो ये 3 साइट है ATP के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ATP प्रोडक्शन में, ये 3 साइट है 1, 3, 4। तो वही चीज यहाँ पे बोला है, देर आर 3 साइट इन ATP दैट आर एक्सोगोनिक टू रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स। सो ये साइट ही बता दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ FMNH2, साइटोक्रोम बी बाय साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ईच वन ऑफ द एबव रिएक्शन रिप्रेजेंट अ कपलिंग साइट फॉर ATP प्रोडक्शन, देयर आर ओनली 2 कपलिंग साइट फॉर द ऑक्सीडेशन FADH2। छोड़ो इसका कोई मीनिंग नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। अब आ जाओ देखो ये जो तुमको एनर्जेटिक्स दे रखा है ना ये तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, तो इस पर तुम ध्यान नहीं देना है। इसके बाद तुम्हारा एक साइकिल आएगा दैट इज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है,
तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं अब, ठीक है, कि इसका क्या मैकेनिज्म है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, क्योंकि तुमको जब नॉर्मली पूछता है ना तो यही पूछेगा कि व्हाट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। शॉर्ट नोट्स में हमेशा ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो चलो हम लोग आते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। देखो ये मैकेनिज्म जो था ना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, ये सबसे पहले दिया था पीटर मैकेल ने 1961 में, और ये आज तक इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद भी आ गया है नया नया मॉडल, बट इंपॉर्टेंट है कि तुम ये जानो। ठीक है, अब देखो, इट एक्सप्लेन्स हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द रिस्पायरेटरी चेंज इफेक्टिवली यूटिलाइज टू एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई। देखो इसका मतलब ये बताता है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस तुमको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द रिस्पायरेटरी चेन, वो कैसे उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से एटीपी का प्रोडक्शन होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के। तो हमने तुमको बताया था ना कि एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करता है तो एक फ्री एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, वही फ्री एनर्जी एडीपी और आईपी को जोड़ देता है, आईपी इज फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। द कंसेप्ट ऑफ केमियोस्मोसिस इज कंपेरेबल विद द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी सेपरेटेड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और जो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंपेयर विद द एनर्जी, किसी बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है और उसको सेपरेट कर देते हैं हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, तो उससे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है ना वो तुम्हारा कंपेयर किया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग तुम्हारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, कैसे क्या होता है, वो हम लोग अब देखो क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं, उसके इसका डायग्राम पे आएंगे और इजी वे में समझा देंगे। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं वो इम्परमिएबल होता है प्रोटॉन्स के लिए, यानी हाइड्रोजन आयन के लिए और हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। तो ये बेसिक बात तुमको पता होना चाहिए कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो तुम्हारा इम्परमिएबल किसके लिए है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो ईटीसी के थ्रू होता है, वो प्रोटोन के ट्रांसलोकेशन से होता है टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं वो तुम्हारा इम्परमिएबल होगा प्रोटोन हाइड्रो प्रोटोन्स के लिए, दैट इज द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखो अगर वो इम्परमिएबल होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, कभी जो ईटीसी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ना वो कपल होता है अक्रॉस द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन। ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन का मतलब हुआ हाइड्रोजन आयन का ट्रांसलोकेशन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो इम्परमिएबल है, तुम्हारा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होगा, तो क्या होगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जो प्रोटोन है वो बाहर की ओर जाएगा, फ्रॉम दी मतलब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से क्या होगा कि वो हाइड्रोजन बाहर की ओर जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जाएगा। अब देखो इसको, एक चीज़ हम तुमको यहाँ पर दिखाते हैं, ये एक डायग्राम देखो, दिस इज योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन अंदर में लो और बाहर में हाई होता है, ठीक है। एक चीज़ अभी ध्यान रखो, बस हम जितना बताते चल रहे आगे इस डायग्राम पे, मेन डायग्राम जो है तुम्हारा, इसमें देखना कि अंदर के तरफ से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर के से बाहर जा रहा है, दैट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन, दिस इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, टू दी ये कौन सा है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ जा रहा है प्रोटोन, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देखो हमने तुमको ये बताया कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन के लिए इम्परमिएबल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ईटीसी में, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था, हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ईटीसी में, तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ईटीसी में वो होता है तुम्हारे ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन से। ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन देखिए कैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, दैट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन, मीन्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन का मतलब क्या हुआ, द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रहा है, उसको क्रॉस करते हुए जा रहा है प्रोटोन, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है, ऐसे चला गया। उसके बाद देखो अब क्या होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा प्रोटोन बाहर जाएगा, मींस प्रोटोन का कंसंट्रेशन बाहर की ओर, आउटसाइड द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्रोटोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा देन द इनर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसको वापस से हम समझाते हैं तुमको, डोंट वरी बी हैप्पी। तो ये देखो,
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ज्यादा प्रोटोन होगा देन दी इनर सरफेस, इनर सरफेस पे कम हो जाएगा प्रोटोन। तो वहां पे प्रोटोन कम हो गया और वहां पे क्या हुआ, तुम्हारा क्या बोलते हैं, बाहर की ओर प्रोटोन ज्यादा हो गया। तो प्रोटोन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, H प्लस ज्यादा हुआ। H प्लस ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, वो इन्वायरमेंट एसिडिक होगा। और जहां H प्लस कम होगा तो वहां कौन सा इन्वायरमेंट होगा, अल्कलाइन इन्वायरमेंट होगा, मतलब बेसिक एनवायरनमेंट होगा। अब समझो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पीएच ग्रेडियंट यानी प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है। प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होने से क्या होगा कि वो प्रोटोन ग्रेडियंट सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, यानी वही फ्री एनर्जी होता है जो कि एडीपी प्लस में आईपी यूज करके तुम्हारे क्या बना देते हैं, एटीपी। एंड दिस इज सिंपली योर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक बार मैं ओवरव्यू देखिए, एक बार जो लिखा हुआ है वो भी बता देता हूँ। नॉर्मली मैंने बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन आयन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल EIMS, इनर माइटोकॉन्ड्रियल टू हाइड्रोजन और OH माइनस, ठीक है। फिर हमने यही बताया तुमको कि जो हाइड्रोजन, जो प्रोटोन का तुम्हारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ETC में, वो कपल होता है, लिंक्ड होता है बाय दी ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन के ट्रांसलोकेशन से वो लिंक्ड रहता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो उससे क्या होगा कि जो प्रोटोन का अमाउंट है वो आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बढ़ जाएगा देन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए बाहर की तरफ एच प्लस ज्यादा है, अंदर की तरफ ओ एच निगेटिव ज्यादा है। क्यों, बाहर की तरफ एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, एच प्लस ज्यादा हुआ एसिडिक, जहाँ एच प्लस कम है बेसिक। उससे क्या होगा, प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है, वही प्रोटोन ग्रेडियंट सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, वही फ्री एनर्जी देता है जिससे एडीपी और आईपी आपस में मिल जाता है और वो बना देता है ईटीपी। तो इतना ही बात रहता है केमियोस्मोटिक में, डायग्राम के साथ 5 नंबर में ही हमेशा पूछता है। अब इस चीज को यहां से पढ़ो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और देखो वही बात बोल रहा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ETC, एक कपल होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटोन से अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ना तो अक्रॉस द, मतलब क्रॉस कर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कहां से कहां क्रॉस कर रहा है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। द पंपिंग ऑफ प्रोटोन रिजल्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल और प्रोटोन ग्रेडियंट, इसी पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटोन के पंपिंग से जो प्रोटोन ट्रांसलोकेट हो रहा है ना, दिस इज ड्यू टू द, अब ये प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप क्यों होता है, क्योंकि मोर एच प्लस आयन जो तुम्हारा बाहर के तरफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर के तरफ डेवलप होता है देन दी इनर साइड, मतलब अंदर के तरफ से। सो द प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द रिस्पायरेटरी चेन इज सफिशियंट टू रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वही बोल रहा था, प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण, ये रिस्पायरेटरी चेन में सफिशियंट होता है कि वो एटीपी बना सके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। यही बात मैं समझाने की तभी से कोशिश कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंजाइम सिस्टम फॉर एटीपी, सिस्टम फॉर एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 5 में जो कि प्रोटोन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। दिस एंजाइम आल्सो नोन एज एटीपीएस सिंस इट कैन हाइड्रोलाइज एटीपी टू एडीपी एंड पीआई। तो देखो एक एटीपीएस भी बोलते हैं जो कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और आईपी में तोड़ देता है। एटीपी सिंथेस एक कॉम्प्लेक्स है जो दो फंक्शनल सब यूनिट कंसिस्ट करता है, F1 और F0। इट स्ट्रक्चर्स कंपेयर्ड विद द लॉलीपॉप, देखो यही वाला के बारे में बात कर रहे हैं, F1 F0 F1 कंपोजिशन होता है ना इसका, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो द प्रोटोन दैट एकुमुलेट ऑन द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस री इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, वो तुम्हारा एटीपी का सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए, जो प्रोटॉन तुम्हारे कहाँ पे एक्युमुलेट हो रहे थे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, वो वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, ठीक है। जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं वो तुम्हारे क्या होगा, वापस से क्या होगा कि तुम्हारे कहाँ चले आएंगे, जो भी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में तुम्हारा, देखो यहाँ पे है ना इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इस वाले एरिया में तुमको बहुत सारे प्रोटोन है ना, वो प्रोटोन क्या होंगे, वो प्रोटोन वापस से तुम्हारे कहाँ इंटर कर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। मतलब ये वापस इंटर कहाँ कर गया, देखो कर गया ना, ये देखो 2 2 4 2 6 था, ये 6 वो कहाँ इंटर कर गया, वापस इंटर कर गया, एरो देखना, ये वापस से कहाँ इंटर कर गया, वापस इंटर कर गया मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में इंटर कर गया किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए। इन्हीं प्रोटोन्स की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा 3 ATP का प्रोडक्शन हुआ ना,
ATP का प्रोडक्शन। देखो साइट्स ऑफ ATP प्रोडक्शन तुमको क्या बताया था, तीन जगह से हमने बताया था ना, एक FMN के कारण, एक कोएंजाइम क्यू के कारण, एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कारण। ठीक है, तो ये जो तीन साइट थे तो उनसे क्या हो रहा था कि दो दो इलेक्ट्रॉन, दो दो प्रोटॉन बाहर की तरफ गया। अब यहां से क्या हुआ, ये छह प्रोटॉन्स वापस से अंदर आ गए, और ये अंदर आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने तीन ATP बना दिया। तो ये एकोमुलेट होते हैं, तो ये रहा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है ना कि इसके बाद हम इनहिबिटर्स ऑफ ETC जो मैंने उस दिन थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब इसके बाद हम लोग अगला वीडियो होगा हमारा इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव में अनकपलर्स बताएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा अनकपलर्स के बाद तुम्हारा वो शटल्स बता देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शटल्स और अनकपलर्स रह रहा है, और रोटेटर मोटर का एक अलग वीडियो आएगा जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।